नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम माइंड मैटर्स में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि अपने पिछले दो एपिसोड्स में हमने तनाव और उसके कुछ रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में डॉक्टर गिरीश पटेल के साथ चर्चा की। तनाव हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है और उसको अपने से भिन्न कैसे किया जाए, इसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल क्लूज, कुछ प्रैक्टिकल तथ्य डॉक्टर गिरीश पटेल ने हमें बताए। डॉक्टर साहब का स्टूडियो में एक बार फिर स्वागत है। डॉक्टर गिरीश पटेल एक फेमस साइकोथेरेपिस्ट हैं और मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं, जो कि पिछले 30 से 40 वर्षों के साथ ब्रह्मा कुमारीज के साथ एसोसिएटेड हैं। आज हम डॉक्टर साहब के साथ अपनी स्ट्रेस के बारे में कुछ और नए एस्पेक्ट्स लेकर चर्चा जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब, स्ट्रेस ये तो हम जानते हैं कि हमारा एक अभिन्न अंग है, लेकिन उसको हम चाहें तो उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसे अपने जीवन से हटा सकते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग समझते हैं कि स्ट्रेस जो है हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, हमारे जीवन को आगे चलाने के लिए, जिसे हम कहते हैं कि कुछ मिथ्स एसोसिएटेड हैं, कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो लोग समझते हैं कि स्ट्रेस के साथ एसोसिएटेड है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो आपने ठीक कहा कि जो लोग ये समझते हैं कि स्ट्रेस हमारे जीवन में ज़रूरी है, उससे हम आगे बढ़ते हैं, उससे हमें हेल्प मिलती है, वो बिल्कुल गलत है। जो आवश्यकता है वह है मोटिवेशन की, आवश्यकता है कंसर्न की। जब भी मोटिवेशन और कंसर्न स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारा परफॉर्मेंस भी कम होता है। आमतौर पर जो उदाहरण दिया जाता है कि भी क्यों तनाव जरूरी है, तो कहते हैं कि देखिए, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स वर्ष की शुरुआत में बिल्कुल पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन एग्जाम के दिनों में 18 घंटा पढ़ते, 20 घंटा पढ़ते, स्ट्रेस आ जाता है। हाँ, देखो, स्ट्रेस आया तो पढ़े, लेकिन ये स्ट्रेस नहीं है। जो इसे मोटिवेशन के रूप में लेते हैं तो वह तो 18 घंटा भी पढ़ पाते हैं। नहीं, पर क्या आप नहीं समझते कि एंड ऑफ एग्जाम में अगर पूरे साल नहीं पढ़े तो वो स्ट्रेस हो जाएगा, लेकिन मोटिवेशन उनके लिए रहेगा जो पूरे साल पढ़ते रहे हैं? हाँ, पढ़ते रहेंगे तो मोटिवेशन होगा। या तो ये भी ठीक है कि एग्जाम के एक मास पहले जो मोटिवेटेड हुए हैं तो वह पढ़ेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट है डर जाते हैं जी, कुछ स्टूडेंट एंग्शियस हो जाते हैं तो उल्टा पढ़ नहीं पाते, यहां तक कि भी एग्जाम के दिनों में उन्हें लूज मोशन हो जाता है जी, हाँ, कि जिसका कोई भी एक्चुअली ऑर्गेनिक रीजन नहीं है जी। कुछ लोगों को बुखार भी हो जाती है, इसके लिए एक स्पेशल टर्म भी है, एग्जामिनेशन फीवर जी। कि एग्जाम के दिनों में ही फीवर हो गया, वो कारण मन में है वास्तव में। तो डॉक्टर साहब, कई लोग कहते हैं कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं आजकल, यूथ्स इतने कंपनीज में काम करते हैं, कहते हैं कि हमें ड्राइविंग फोर्स चाहिए, पॉजिटिव स्ट्रेस जिसे लोग कहते हैं, कि हमें एक ड्राइविंग फोर्स की तरह कि हम अपना काम करें। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है ये? मतलब मैं ये कहूंगा कि आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको इंस्पिरेशन भी चाहिए। यानी स्ट्रेस जो है एक नेगेटिव टर्मिनोलॉजी, बेसिकली ये कहना चाहिए कि स्ट्रेस को पॉजिटिव वर्ड नहीं देना चाहिए। कई एक्सपर्ट यू स्ट्रेस कहते हैं, परंतु इसमें भी तो स्ट्रेस है ही, इसलिए मैं समझता हूँ कि यू स्ट्रेस भी अच्छा शब्द नहीं है, क्योंकि जो हम भाषा का उपयोग करते हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। यू स्ट्रेस के बदले मैं समझता हूँ उसे मोटिवेशन कहना चाहिए, उसे कंसर्न भी कह सकते हैं, वो दोनों चीजें बहुत अच्छी है। तो बेसिकली नेगेटिविटी का कोई भी एलिमेंट लाइफ में ना रहा है, यानी स्ट्रेस जो है नेगेटिव वर्ड है, बिल्कुल स्ट्रेस को हमारी जिंदगी में, हमारे लाइफ में कोई स्थान नहीं, नहीं देना चाहिए। यानी अटेंशन रखें लेकिन टेंशन ना रखें। हाँ जी, हाँ, ये ठीक है। अटेंशन वो पॉजिटिव शब्द है। और एक बहुत अच्छी अगर गहराई से समझने की बात है कि मोटिवेशन से भी अच्छा है इंस्पिरेशन। जी, लोग पूछते भी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में क्या फर्क है, तो मोटिवेशन शायद आपका कम भी हो सकता है कि भी आज आपकी तनख्वाह बढ़ गई, आपको प्रमोशन मिल गया तो थोड़े आप मोटिवेट हुए, लेकिन हो सकता है एक दो साल के बाद वो मोटिवेशन खत्म हो जाए जी। परंतु इंस्पिरेशन ऐसी चीज है कि वंस यू आर इंस्पायर्ड तो वह कम नहीं होगा। इंस्पिरेशन बच्चे को जन्म देने जैसा है कि एक बार बच्चे का जन्म हो गया फिर उसे बड़ा होना ही, आगे बढ़ना है। तो ऐसे ही मेरे विचारों में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें इंस्पायर होना है जी। तो आप प्रगति करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। डॉक्टर साहब, कई लोग सोचते हैं कि अगर मुझे स्ट्रेस से हटना है या उसको अपनी लाइफ से हटाना है तो मैं एक ब्रेक ले लूं, मैं कहीं चला जाऊं, बिल्कुल ऐसे करके, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे तनाव दूर हो जाता है? अच्छा है, कई बार तो हमें पेशेंट भी कहते हैं जी, कि पेशेंट भी आते, एक बार आएंगे साइकोथेरेपी के लिए, कहते हैं लेट्स टेक अ ब्रेक, फिर कहेंगे कि डॉक्टर अभी हमने ऐसा सोचा है कि भाई हम 10 दिन माथेरान जाके आते हैं, वहां रिलैक्स होके आएंगे तो अच्छा हो जाएगा।
परंतु वास्तव में यह सही बात नहीं है, क्योंकि समझो आपने ब्रेक ली तभी आपको आराम मिल जाएगा, थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, आप हो सकता है उस परिस्थिति से दूर भी चले गए, परंतु सप्ताह 10 दिन 15 दिन के बाद तो आपको वापस आना है और तब फिर से उस परिस्थिति का सामना करना ही है, तो टेंशन होगा ही होगा। इसलिए सबसे अच्छा तो है कि उस परिस्थिति के बीच में मन को शांत रखना सीखे। ये एक आर्ट है। हाँ, वो उस व्यक्ति जैसा है कि जिसको ना बहुत गुस्सा आता था, तो उसने सोचा कि भाई मैं हिमालय पे चला जाऊं और मौन ले लूं। तो बस मौन ले लिया तो लोग तो उससे बड़े खुश हो गए, कहीं उसके शिष्य भी बनने लगे, मौनी बाबा ये तो बिल्कुल बोलता नहीं है, बड़े खुश हुए। लेकिन कुछ सालों के बाद फिर कुंभ का मेला था, वहां जाना पड़ा, तो वहां गए तो बड़ी भीड़ थी, किसी ने पैर पे पैर रख दिया तो इतने जोर से गुस्से में आ गया, गालियां बकने लगा, तब पता चला अरे बाप रे मैं तो वहीं के वहीं हूँ, इतने सालों में मेरे में कोई परिवर्तन मतलब नहीं परिस्थिति आया। से पलायन नहीं करना, लेकिन इस संसार में रहते हुए भी किस तरह हम अपने आर्ट से, मेडिटेशन के आर्ट से, किसी भी और टेक्निक से हम अपने मन को बिल्कुल शांत कर लें और तनाव को अपने और उसको सामना करने की युक्तियां युक्तियां भी सीख लें, उसको कैसे हम पॉजिटिव रूप में ले ले सकते ऐसे हैं। वो सारी युक्तियों से ठीक से मैनेज करें। जी हाँ। अच्छा, कई लोग सोचते हैं कि हम लोग अगर एक्सरसाइज कर लेते हैं, हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं, तो आई कैन डाइल्यूट माय स्ट्रेस, मैं अपने अंदर से तनाव को खत्म कर सकता हूँ, आप क्या कहेंगे इसके? वो भी थोड़े समय तक कम होगी, ये इतना बुरा नहीं है। ब्रेक लेना तो सबसे बुरा है, वो कभी नहीं करो। वैसे तो ब्रेक ले सकते हैं ऑफ एंड ब्रेक ले सकते हैं, कि नहीं नहीं समझो कि उससे आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, रिलैक्सेशन के लिए ठीक जरूर, क्योंकि रेस्ट देनी है बॉडी को। वर्कआउट भी एक्चुअली परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, उतना समय हो सकता है कि भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो बॉडी के नेचुरल पेन किलर्स है, इसके कारण आपको अच्छा लगेगा, परंतु आप मेथड्स को नहीं समझते हैं कि कैसे परिस्थिति का आप सामना करें, उस तनाव से कैसे ऊपर उठे, उसकी टेक्निक आप एक्सरसाइज में नहीं सीखते नहीं हैं सकते। तो इसलिए वह भी एक मिथ है कि बस मैं रोज आधा आधा घंटा एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा तनाव खत्म हो जाएगा, बस थोड़ी सी आपको राहत मिल जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोग कहते हैं कि यू नीड अ डॉक्टर और अ साइकोथेरेपिस्ट टू डायग्नोज योर स्ट्रेस, तो क्या हर चीज के लिए साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। इसमें दो प्रकार की परिस्थिति आएगी, एक तो तनाव है कि जो आप ठीक से काम कर रहे हैं, आपका जो डेली रूटीन है, ऑफिस जा रहे हैं और जो कार्य आप ठीक से कर रहे हैं फिर भी तनाव को अनुभव करते हैं, वो एक स्थिति है। और दूसरी ऐसी स्थिति आती है कि जिसमें आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ऑफिस में भी लोग रियलाइज करते हैं कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आपके बॉस आपके कलीग्स भी इसको फील करते हैं, जैसे बच्चे हैं उनकी एग्जाम में परसेंटेज सडनली कम होने लगे। जब इस प्रकार की कोई स्थिति है कि जहां पर हमारी कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव हो रहा है, तो शायद साइकोथेरेपिस्ट के पास जाने से आपको मदद मिल सकेगी। और जो पहली अवस्था में उसमें अपने आप भी आप अपने ही साइकोथेरेपिस्ट बन जाओ तो भी काफी हद तक आपको मदद मिल सकती। मूलतः है ये कि यू आर दी बेस्ट डॉक्टर, क्योंकि तनाव आपका है तो आपसे बढ़िया डॉक्टर कोई हो नहीं सकता, अपने आप को खुद डायग्नोस करें और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, मैं आपको और एक मीथ बताऊं जी। और एक मीथ है, कहीं लोग बड़े बड़े लेक्चर में भी कहते हैं कि भी अच्छा म्यूजिक सुनो, भी सॉफ्ट म्यूजिक सुनेंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, भले रिलैक्स होंगे परंतु वह तनाव को आप ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे। रिलैक्सेशन के लिए भले म्यूजिक सुनो, परंतु ये सोचिए कि भी और भी कुछ करना पड़ेगा मुझे, और ऐसी सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप मेथड समझनी होगी, तब आप ठीक से तनाव को मैनेज कर पाएंगे, उसके ऊपर उठ सकेंगे। उसके तो ये तो डॉक्टर साहब क्लियर, आपने बहुत स्पष्ट रूप से हमें बता दिया कि ये मिथ्स हैं स्ट्रेस के बारे में, कि किसी डॉक्टर के पास जाने की अक्सर ज़रूरत नहीं है, और तनाव का जो बेस्ट डॉक्टर है हम खुद ही हैं और उसको हम बड़ी इजीली मैनेज कर सकते हैं अगर हम उसको क्रिटिकली एनालाइज करें, उसका कारण देखें, निवारण स्वयं हमारे अंदर ही है। तो आपने जैसे हमारे पिछले एपिसोड में बताई थी 5C अप्रोच, तो हमें कई लोगों ने लिखा भी और बताया भी, उन्हें बहुत पसंद आई, तो और भी कोई प्रैक्टिकल टेक्निक्स और इजी टेक्निक्स आप प्रैक्टिस करते आए हैं ओवर 30 ईयर्स जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, कुछ और अच्छे तरीके तनाव को अपनी जिंदगी से हटाने के लिए?
अच्छा, जब मैं इस पर सोचने लगा, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में मेडिटेशन सीखा जी और फिर जब ये सोचने भी लगा कि भाई कोई सरल बातें लोगों को बतानी चाहिए कि जो इंटरेस्टिंग भी हो, तो मैं शुरू से लोगों को आजकल बताता। प्रैक्टिकल टिप्स हाँ चाहिए, जी हर हाँ कोई बिजी है, आप भी और हम भी और लोग भी अपना काम करते हैं, तो उनको ऐसा चाहिए कि वो काम भी करते रहें और ये लाइफ भी बड़ी सिंप्लीफाई और इजी हो जाए। पहले बड़ा बेसिक है जी परंतु फिर भी बहुत जरूरी है। जी जो मैं बताता हूँ कि सबसे पहली आवश्यकता है, अगर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर अली को कंसल्ट करो। आप कहेंगे अभी बोला डॉक्टर के पास नहीं जाओ, और अभी बोल रहे हो कि भी डॉक्टर अली को कंसल्ट करो। कौन है डॉक्टर अली? हाँ जी हाँ, तो डॉक्टर अली का स्पेलिंग क्या है? आई ALI। तो ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्ट, एल का मतलब है लिसन, लिसन और आई का अर्थ है इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट। बस ये तीन चीजें भी अगर अच्छे से कोई समझदारी से करे तो काफी तनाव कम हो जाएगा। जी, एक्सेप्टेंस से आप क्या समझते हैं? एक्सेप्टेंस मतलब किस चीज को हाँ एक्सेप्ट हाँ करना नहीं, चाहिए? पहली बात तो ये जरूरी है कि ये एक्सेप्ट करके मुझे तनाव है। हाँ, ये भी एक मिथ है जो हम डिस्कस कर रहे थे। कईयों को बहुत प्रॉब्लम होता है कहीं, लेकिन समझते मुझे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं हाँ मैं तो ठीक हूं, तो वह बहुत बड़ी गलती है। और थोड़ा भी तनाव हो तो आप इस बात को स्वीकार करो कि मुझे तनाव है और उससे मुक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्योंकि कहते अगर हैं व्यक्ति नहीं समझेगा तो वो उसके लिए एफर्ट ही नहीं लगा लगाए सकता। हाँ, और कहते हैं कि जब आप स्वीकार करते हैं कि मैं तनाव में हूं तो आपकी आधी जीत हो गई, अभी बस आधा ही आपको मेहनत करनी जी है। हाँ और लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक अलग से उदाहरण है जी परंतु उससे बड़ा स्पष्ट होगा कि देखो लोग है ना, मोटी बात को भी एक्सेप्ट नहीं करते। स्ट्रेस तो सूक्ष्म है। पिछले वर्ष भुवनेश्वर में मेरी एक स्वास्थ्य की शिविर थी, तो बस वहां से मैं जा ही रहा था, शिविर पूरी हो गई थी, जी तो एक व्यक्ति वहां आया मुझे बताने के लिए कि उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। वो ऑपरेशन का स्कार है, वो अपने शर्ट को उसने ऐसे उठाया, तो भले वो नॉर्मल दुबला पतला था लेकिन उसका पेट एकदम आगे आया था। मैंने उसको कहा कि भाई आपका पेट, तो कहते हैं नहीं नहीं डॉक्टर, मेरा वेट तो एकदम ठीक है। फिर से मैंने कहा लेकिन आपका पेट, तो कहते हैं डॉक्टर हर सप्ताह में चेक कराता हूँ, मेरी हाइट के अनुसार जितना मेरा वेट होना चाहिए उतना ही है। अलग अलग रीति से मैंने 5 बार कोशिश की लेकिन स्वीकार करने कोई तैयार नहीं है कि उसको ये पेट को कम करने की जरूरत है। हाँ, जबकि ये गुब्बारे की तरह बहुत बड़ा पेट था उसका। जी तो वही उदाहरण मैंने इसलिए मेरी बुद्धि में फिट हो गया कि जब शारीरिक बातों को भी लोग स्वीकार नहीं करते हैं कि मुझे वेट कम करने की आवश्यकता है, तो स्ट्रेस तो मन की बात है, थोड़ी सूक्ष्म बात है, तो उसको तो और भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर। जी हाँ, तो तो पहले एक्सेप्टेंस जो होती है, मैं समझता हूँ उसके लिए एक लेवल ऑफ टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए होती है हाँ, अपने सबसे बड़ी अंदर, बात अंडरस्टैंडिंग क्योंकि जो कुशाग्र बुद्धि है, यथार्थ बुद्धि है, वो उस सिचुएशन को एनालाइज करेगा। मैं समझता हूँ आप तो मेडिटेशन करते आए हैं करते ब्रह्मा कुमारी के साथ, और आपने अपनी लाइफ में इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी किया हाँ होगा जी कि हर सिचुएशन को जैसी सिचुएशन है उस तरह देखना। हाँ क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम किसी व्यक्ति को या किसी परिस्थिति को उस तरह देखते हैं जैसे हम उसे देखना चाहते हैं, हाँ जी हम उसको उस तरह नहीं देखते जैसे वो है। है और प्रैक्टिकल। अगर जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, तो अगर हम अपने आंखों के आगे से ये पर्दा उठा दें और हर सिचुएशन को उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करें, तो मेरे ख्याल से फिर एक्सेप्टेंस इजीली आ जाती है। हाँ, फिर दूसरा है, एक बार एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट, फिर L का अर्थ है लिसन, लिसन, कि तनाव को भी सुनो। शायद आप कहेंगे भी तनाव में क्या सुनने जैसा है, परंतु तनाव की एक बहुत अच्छी परिभाषा भी है। उस परिभाषा में, उस डेफिनेशन में कहा गया है कि तनाव एक मैसेंजर है जो आपको यह कहने के लिए आया है कि परिवर्तन की आवश्यकता है। तो अगर आप उसे सुनेंगे तब पता तब चलेगा कि परिवर्तन। परिवर्तन की जरूरत है। जी हाँ और जब नहीं सुनते हैं तो कैसे समस्या होती है? इसमें भी आपको एक अलग प्रकार का उदाहरण देता हूं मैं, कि जब ठंडी की मौसम आती है तब वह भी एक संदेश वाहक है, एक मैसेंजर है कि आपको ठंडी लगती ठंडी है, लगती है, तो वह क्या मैसेज लेके आया है गरम कि गर्म कपड़े कपड़े पहनो, पहनो, और जो गर्म कपड़े नहीं पहनता है तो वह बीमार हो बीमार जाएगा। रहता है। तो बस ऐसे ही जो भी तनाव आपके जीवन में आता है, कि आपको निराशा लगती है, उत्साह की कमी हो जाती है, वर्क का प्रेशर लग रहा है, जो भी बात है,
वह एक मैसेंजर है, सचमुच उसको शांति से सुनो। और कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति अच्छा सुनता है, समझदार व्यक्ति, उसे ही कहा जाता है हाँ जो उस चीज को सुने बिल्कुल और परिवर्तन समय से पहले ले आए अपने अंदर, इससे हाँ पहले कि तनाव उसको टेक ओवर करके हाँ उसके शरीर को, उसके मन को क्षति पहुंचाए, उससे पहले वह समझे उसको और अपने अंदर जो इम्पोर्टेंट चेंज है, नेसेसरी चेंज है, उसको ले आए ताकि तनाव से वो बच मोहित आपने सके। बहुत अच्छा कहा, ये सूक्ष्म पॉइंट है कि तनाव बीमार आपको कर दे जी उससे पहले उसको सुनो, सुन लो उससे पहले परिवर्तन करो। अगर परिवर्तन, बीमारी आ गई तो बहुत देरी हो गई, फिर तो देरी हो ही उसके गई बाद आप है, बहुत कुछ बल कर सकते हैं बीमारी से उसके बाद तो ट्रीटमेंट, बदलना पड़ेगा, समय हाँ आपको मजबूर करेगा कि आप बदलो, लेकिन उससे पहले तो एक्सेप्ट हमने किया उस सिचुएशन को, डॉक्टर अली जैसे आपने बताया, हाँ हमने वो सुना सुना। उसको और उसके बाद फिर आई है इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट। कि अभी इंट्रोस्पेक्ट क्यों करना है, क्योंकि मूल कारण को ढूंढना होगा जी कि भैया तनाव मुझे क्यों हो रहा है। अगर वो कारण मिल गया तो परमानेंट निवारण भी है। तो मूल कारण आखिर क्या है? पहले तो मतलब ये जो मैं कह रहा हूं कि सुनो, फिर इंट्रोस्पेक्ट करो, ये थोड़ा शांति से बैठ करके रिलैक्स हो करके सचमुच सोचो कि भल मेरे ऊपर वर्क का प्रेशर आ रहा है, परंतु उसका कारण क्या है। कई बात बात बड़ी सिंपल सी भी होती है, छोटी सी बात है, वो आपने सुना नहीं इसलिए ऐसा नहीं हुआ। एक हॉस्पिटल में एक रजिस्ट्रार थे, उसी डिपार्टमेंट में दूसरे भी रजिस्ट्रार होते थे। भाई ये जो रजिस्ट्रार था वो रोज पेशेंट को कई बार तो दो दो बार भी देखेगा, अच्छे से सारी उसकी नोट्स लिखेगा, सब कुछ करेगा। उसके कारण उस पर वर्क का प्रेशर बढ़ जाता था। जो दूसरे रजिस्ट्रार थे वो समझो 2-3 दिन में भी एक बार पेशेंट को देख लिया, हाँ पूरा उस पर ध्यान नहीं देते थे, और ये वर्क प्रेशर के कारण उसे टेंशन होता था। तो एक बार जाकर के उसने अपने बॉस को कंप्लेन की कि सर मुझे बहुत वर्क का प्रेशर हो रहा है, मैं तो पेशेंट को दो दो बार देखता हूँ, जो दूसरे रजिस्ट्रार है वो तो 3 दिन में ही एक बार देखते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे टेंशन हो रहा है। तो बॉस ने ध्यान से सुना और फिर कहा कि ये आपको डिसाइड करना है। तो भी वो समझा नहीं, फिर से बोलने लगा, दोबारा कहा कि भाई ये आपको निर्णय करना है। इसे 3-4 बार कहता, उसे क्लिक हुआ कि मुझे ये कह रहे हैं कि ये मेरा निर्णय है कि भाई मैं रोज 2 बार देखूं। भले अच्छी भी बात है, अच्छी बात भी है, लेकिन इसमें डिस्क्रिशन भी चाहिए कि किस मरीज को जरूरत है, हाँ उसको जी कितनी हाँ बारी कितने देखना है। देखना है, या तो उसे खुद निर्णय करना है कि जी भाई प्रेशर बढ़ हाँ रहा है तो अगर ये नॉर्म्स है कि भाई इतना ही आवश्यक है तो भले वैसे करो। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, जीवन में भी इंट्रोस्पेक्शन करने से आप उस कॉज को फाइंड आउट कर डॉक्टर पाते साहब, हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अपना एक्सपीरियंस ये कहता है, इंट्रोस्पेक्शन अपने अंदर जब हम करते हैं, हम देखते हैं झांक कर, तो हमें लगता है हमारे अंदर जो ईगो है, एक हाँ जो जी बॉडी कॉन्शियसनेस की जो भावना हम सबके अंदर भर गई है, हाँ क्योंकि जी हम सब अपने आप को किसी ना किसी फिजिकल चीज़ से लिंक करते हैं और अपने आप को एक फिजिकल बीइंग ही समझते हैं, हाँ जी तो ये समझना एक मूल कारण हो गया हमारे अंदर तनाव का, क्योंकि सब कुछ हम समझते हैं ये शरीर है, शरीर को ही सजाते हैं, शरीर को ही ट्रीट करते हैं और अंत में शरीर को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बिल्कुल और यह देखते देखते जिंदगी जो है एकदम एक पत्थर नुमा बन गई है, और जरा सा भी कुछ बात हो जाए, ईगो और इम्पल्सिवनेस हमारी लाइफ के अंदर आ गई है, तो इसको अगर तोड़ दिया जाए तो काफी हद तक हम हाँ तनाव का निवारण कर सकते हैं, और मैं समझता बिल्कुल हूँ आप इसके बारे में और बेहतर जानते होंगे क्योंकि आप तो ब्रह्मा कुमारीज के साथ मेडिटेशन करते रहे हैं, और जहाँ ये शायद बताया भी जाता है कि जो फिजिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मेटाफिजिकल मेंटल पर एंटिटी हाथी है। हाँ नहीं, और आपने बहुत ऊंची बात की है, पहले शॉर्ट में बताया लेकिन ये ऊंची बात है कि सबसे बड़ी बात है कि ईगो को खत्म करो। हाँ कहते भी है कि भी ईगो का अर्थ जो है हाँ कि एवरीथिंग गुड आउट, एवरीथिंग गुड आउट, कि ईगो है तो सब कुछ अच्छा जाएगा। बाहर चला जाता दूसरा है। भी एक कहा है, ईगो का अर्थ है एजिंग गॉड आउट, ईगो होगा तो गॉड को आप बाहर बाहर ले जा निकाल रहे देते हैं हो। क्योंकि अपने अंदर की जो सिंप्लिसिटी है, अच्छाई है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जहां अहम भाव आ जाता है वहां मनुष्य के अंदर टॉलरेंस खत्म हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है, और जहां ये टॉलरेंस अंडरस्टैंडिंग चली जाती है तो हर छोटी चीज, हर बड़ी चीज तनाव लाती हाँ है। ऐसे इंट्रोस्पेक्ट करना, जैसे ईगो की आपने बात कही, और भी कई चीजें कि भी जेलसी से मुझे तनाव हो रहा है, तनाव आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तब पता चलेगा कि भी जो मेरा तनाव है उसका कारण जेलसी है, जी, या तो भी इसका कारण कंपैरिजन है, मैं कंपैरिजन अपनी है कंपैरिजन दूसरों के साथ कर रहा हूं जी इसलिए मुझे तनाव हो रहा है। जी
या तो भी मेरे में ओवर एक्सपेक्टेशन है जी इसके कारण मुझे तनाव हो रहा है। इन सभी बातों को जब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो एक तो रियलाइजेशन होता है, जी फिर उसको दूर करने के लिए आध्यात्मिकता एक बहुत बड़ा फोर्स है कि जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से प्रगति करता है तो ऑटोमेटिक ही वह जो ईगो जिसको कहा है कि भी अहंकार से सर मोटा होता है, जी और सर मोटा होता है तो सर दर्द होता है, और कहते हैं स्वमान से नम्रता आती है और नम्रता से हृदय विशाल होता है। तो ऐसे ऑटोमेटिक आध्यात्मिक पुरुषार्थ करने से हमारे में नम्रता आती जाती है। स्वमान जरूर रहेगा परंतु अहंकार थोड़ा सा भी नहीं नहीं होगा। होता ऐसे ही जब जेलसी भी आए तो हम उल्टा यह सोचेंगे कि मुझे ईर्ष्या नहीं करनी, अपने आप को में परिवर्तन लाना है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की प्रेरणा आध्यात्मिकता से आती है। और ध्यान के अभ्यास से मैंने देखा है कि हम परिस्थिति को सही रूप में देख पाते हैं। आज लोग सही रूप में परिस्थिति को देख नहीं पा रहे हैं, इसके कारण उसे जो टर्न करने की जरूरत है। अब ऐसे भी कई बार हम समझते हैं कि भी विचारों को मुझे टर्न करना है, परंतु वो व्यक्ति कर नहीं पाता है। और एक जो बहुत बड़ा फायदा होता है आध्यात्मिकता से वह है कि हमारी कॉन्शियसनेस राइट बनती है। फॉर एग्जाम्पल कि भी हाथ में मुझे कुछ पकड़ना है, तो अगर मैंने हाथ में पकड़ा है, सीधा पकड़ा है, फिर मैं उसको छोड़ भी दूं, प्रेशर नहीं दूं, तो भी वो गिर नहीं जाएगा। जी हाँ, तो अगर मैंने उल्टा पकड़ा है उसको गिर जाएगा, तो प्रेशर देना पड़ेगा। नहीं, अगर पकड़ना है तो प्रेशर देना पड़ेगा, अगर छोड़ दिया तो गिर जाएगा। तो आज यही कारण है कि हर कि चीज लोगों को की कॉन्शियसनेस उल्टी हो उल्टी हो गई है, क्योंकि कॉन्शियसनेस उल्टी हो गई इसलिए प्रेशर देना पड़ता है। जी। परिवार में भी देखो, बच्चों पर प्रेशर देना पड़ता है। और ये जो आपने बताया डॉक्टर अली वाली बात आपने बताई, उसमें मैं समझता हूँ कि एक्सेप्टेंस, इंट्रोस्पेक्शन और लिसनिंग ये सेल्फ से चालू होती है। हाँ जी, क्योंकि अक्सर लोग अपने से ही प्यार करना भूल गए हैं, और जो व्यक्ति अपने आप से प्यार नहीं कर सकता, अपने आप को एक भगवान का बच्चा समझ कर अपने आप को एक्सेप्ट नहीं नहीं कर सकता, करता। मैं समझता हूँ दुनिया के बाकी लोगों के लिए, अपने कोलीग्स के लिए कैसे प्यार वो लाएगा, कैसे उनको एक्सेप्ट कर पाएगा। बिल्कुल सही कहा। मैं और स्व को पहचानना भी जरूरी है, बहुत बल गहरा विषय है जी, पर तो जब आप स्व को पहचानेंगे तो फिर वह पूरा परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आएगा। डॉक्टर साहब, समय बहुत हुआ है आपका स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके साथ अपनी चर्चा अपने अगले एपिसोड में फिर जारी रखेंगे। तो आपने देखा कि तनाव हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग तो बन चुका है, लेकिन हम चाहें तो उसे अपने से भिन्न कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है जो आज हमने डिस्कस किए कुछ ऐसे मिथ्स कि तनाव हमारे ज़िंदगी में ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। इसको एक नेगेटिव फोर्स समझिए। किसी भी नेगेटिविटी को अपने जीवन में स्थान देना मूर्खता कहलाती है। इस नेगेटिव फोर्स को हमें अपनी ज़िंदगी से हटा देना है, या यूं कहें कि हैविंग अ लाइफ फ्रॉम डिस्ट्रेस टू डिस्ट्रेसिंग योरसेल्फ, यानी अपनी ज़िंदगी में दुख से एक खुशी की तरफ जाना है। और उसके लिए एक बहुत ही अच्छी अप्रोच हमें बताई कि डॉक्टर अली को ध्यान रखिए, प्यार करिए, अपने से प्यार करिए, दुनिया में जो भी मिलता है उसे एक्सेप्ट करिए, उसकी बात को ध्यान से सुनिए, अपने मन की बात को ध्यान से सुनिए, उस पर चिल्लाइए नहीं, और अपने अंदर झांकिए कि क्यों हम लोग आज अपने अंदर ये ईगो की भावना, ऐसी भावना लेकर चलते हैं। अगर हम इन बातों का ध्यान रख सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम सभी लोग अपनी ज़िंदगी में से 90% तनाव हटा सकते हैं। आशा है आपको यह हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे डॉक्टर गिरीश पटेल के साथ। अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। Shut